ओम शांति। पांच स्वरूपों की इस श्रृंखला में आज हमारा योग का विषय रहेगा, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। इस संगम युग पर हम ब्राह्मणों का संपन्न स्वरूप फरिश्ता है। मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प, इन सब में हल्का। हल्केपन की निशानी है वह सर्व का प्यारा होगा, कोई कोई का नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप, हम सब बाबा को क्या कहते हैं? मेरा बाबा कहते हैं ना। तो ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व का प्रिय, अभी वर्तमान समय हमारा एक ही लक्ष्य हो कि अब मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य यही है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। जैसे यह साकारी व्यक्त शरीर पांच तत्वों के कार्ब में है, ऐसे ही अव्यक्त शरीर लाइट के कार्ब में, अर्थात प्रकाश के घेरे में है। स्वयं को हमेशा प्रकाश के घेरे में महसूस करें। ईश्वरीय महावाक्य हैं, जब तक स्वयं को लाइट के कार्ब में अनुभव नहीं करेंगे तब तक औरों को आप द्वारा साक्षात्कार नहीं होगा। तो चलिए कुछ सेकंड के लिए अपने लाइट स्वरूप को सामने लाएं। ऐसा फील करें हमारे सामने हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप लाइट के कार्ब में है।
मन की आंखों से अपने इस स्वरूप को देखते रहें। मन में चिंतन चलाएं, मैं लाइट रूप प्रकाश स्वरूप हूं, मेरे आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। जैसे सूर्य को देखते हैं तो चारों ओर फैली हुई सूर्य की किरणों के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है, ऐसे ही मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस लाइट के बीच में हूं। चलते फिरते कर्म करते अब हमें यही अनुभव करना है, मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, यह स्मृति स्वयं में भी परिवर्तन लाएगी और दूसरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब हमारी स्थिति ऐसी बन जाए जो सामने वाला व्यक्ति हमें देखते ही अपना देहभान भूल जाए, वह स्वयं में भी बहुत हल्कापन महसूस करे। हमारा लक्ष्य अब एकमात्र यही है, हमें फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाना है। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। जैसे अव्यक्त वतन से बाप दादा हम बच्चों से मिलने आते हैं, तो बाबा को यह स्मृति रहती है कि हम वतन से यहां इस सृष्टि पर सिर्फ कर्तव्य के निमित्त आए हैं और हमको वापस जाना है। ऐसे हमें भी इसी स्मृति को बढ़ाना है कि मैं आत्मा अवतार हूं, मैं आत्मा ट्रस्टी हूं,
सभी को ईश्वरीय संदेश देने के लिए एक अलौकिक कर्तव्य के निमित्त मैं फरिश्ता अपने वतन से इस पृथ्वी पर आया हूं। ऐसा चित्र बनाए सूक्ष्म वतन से कोई फरिश्ता जैसे नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा है, ये फरिश्ता मैं हूं। और विशेष कार्य अर्थ मैं सृष्टि पर आया हूं। आज से हर कर्म करते बुद्धि में यही रहे, मैं निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा अर्थ इस पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं, लेकिन मैं यहां का वासी नहीं हूं। मैं तो अव्यक्त देश का वासी हूं। अपनी कारोबार को पूरा करके फिर से मुझे वापस अपने देश जाना है। बार बार स्वयं को यह स्मृति दिलाएं, मैं फरिश्तों की दुनिया से आया हूं। अब विचार करें, फरिश्तों की विशेषता क्या होती है? कैसे होते हैं फरिश्ते? उनकी सबसे पहली विशेषता यही है, वह सभी बातों में हल्का रहेंगे। संकल्पों में हल्के, वाणी में और कर्म में भी हल्के, साथ ही हर संबंध संपर्क में भी वह सदा हल्के होकर चलेंगे। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप है, ऐसे फरिश्ते ही बाबा को प्यारे लगते हैं। सच्चा फरिश्ता वह है जिसका देह के संबंधों से कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं,
सिर्फ निमित्त मात्र देह के संबंधियों के साथ वह कार्य व्यवहार में आते, कभी भी लगाव से नहीं। अभी स्वयं से पूछें, क्या मैं ऐसा फरिश्ता बना हूं? अगर संकल्प मात्र भी मन में कोई बोझ है तो वह बोझ आज बाबा को सौंप दें और डबल लाइट संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें। मन ही मन स्वयं से प्रतिज्ञा करें कि आज से सिवाय एक बाप के मेरा और कोई से रिश्ता नहीं। सभी रिश्तों से फ्री मैं निर्बंधन फरिश्ता बन गया हूं और सदा इसी स्थिति में मुझे स्थित रहना है। ये दृढ़ संकल्प कर लें, मेरे सभी रिश्ते सिर्फ एक बाप के साथ ही हैं। दिल से निकले मेरा तो एक शिव बाबा बस। हद का सब मेरा इस एक मेरे बाबा में समा जाए। एक को मेरा कहा और बाकी सब छूट गया। अब ना कोई सखा ना कोई संबंधी, अपनी देह के साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन बाप को ही दे दिया। देह के बंधन से भी मैं आज मुक्त हो गया हूं। आज से इस देह में मैं मेहमान हूं। ईश्वरीय महावाक्य याद करें, बाप दादा ने कहा है, बच्चे ये देह भान भी मिट्टी है और फरिश्तों के पांव कभी मिट्टी पर नहीं पड़ते। फरिश्ते तो सदा उपराम स्थिति में रहते हैं।
फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप उतना देह रूपी धरती से पांव ऊपर स्वतः ही रहते हैं। अगर ऊपर नहीं तो समझ लेना कोई बोझ है। और ध्यान रहे, बोझ वाली वस्तु कभी ऊपर नहीं उड़ सकती। अगर फरिश्ता बनकर उड़ना है तो आज से सब बोझ समाप्त करने होंगे। याद रखें, मैं बाबा का सिकी लदा बच्चा हूं और सिकी लदे बच्चे तो सदा झूले में ही झूलते हैं। त्रेसठ जन्म इस देहबान की मिट्टी में रहने का बहुत अनुभव कर लिया। बहुत मैले बन लिए, अब इस देहभान की धरनी से परे रहना है, बिल्कुल स्वच्छ बनना है। जैसे मेरे शिव बाबा सदा स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, ऐसे मैं फरिश्ता भी बाप दादा के साथ रहने वाला स्वच्छ साफ दिल फरिश्ता हूं।
बाबा ने मुझे वरदान दिया है कर्म योगी फरिश्ता भव। यही वरदान सदा स्मृति में रख, अब मुझे कर्म करना है। स्वयं से वायदा कर लें कि आज से हर कर्म बाबा की याद में रहे, खुशी से करना है। ऐसे कर्म योगी जो सदा हल्के होकर रहते हैं, बाबा की याद में रहे हर कर्म करते हैं, वह सभी को केवल मन से ही नहीं बल्कि तन से भी नास्ते अनुभव होंगे। उनकी स्थिति सदा खुशनुमा होगी। तो यह स्वमान निरंतर दोहराते रहें, मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं जिसका भाग्य खुद भगवान ने लिखा है। डायरेक्ट भगवान ने मेरे भाग्य की लकीर खींची है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। मीठे बाबा, आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, सारे कार्य आपकी याद में रहकर ही हम करेंगे। मुझ आत्मा के सारे हिसाब किताब अब आपके साथ हैं बाबा। बाकी सब कर्मों के खाते समाप्त हो गए। अब मैं आत्मा संपूर्ण बेगर हूं, ना किसी वैभव से ना ही किसी व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता रहा। सर्व आकर्षण और लगाव के मेरे सारे रिश्ते और रास्ते बंद हो गए। संकल्प में भी अब कोई नहीं। हर परिस्थिति में मुझे एक बाबा का ही सहारा है और कोई आत्मा का नहीं। अपनी सारी जिम्मेवारी बाप को देकर मैं फरिश्ता बन गया हूं। बिल्कुल हल्के हो जाएं, एकदम लाइट। मीठे बाबा,
आज से सब हद का मेरापन समाप्त हो गया। जो अब तक कहते थे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये सब हद की बातें आज से समाप्त हो गई बाबा। मैं फरिश्ता इस मेरेपन के बंधन से भी मुक्त हूं। सब कुछ आपके हवाले कर मीठे बाबा, मैं बहुत हल्कापन और खुशी फील कर रहा हूं। मैं फरिश्ता बेपरवाह बादशाह हूं। अब इस पुरानी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह थी तो उस पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह पा लिया तो बाकी अब क्या परवाह रही। और फिर मेरी परवाह करने वाला स्वयं त्रिलोकीनाथ है। मेरा हाथ अब उसके हाथ में है। अब माया भी मेरा सामना नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं कभी अकेला नहीं रहता। सर्वशक्तिमान मेरे शिव बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं। ना कभी वह हमसे जुदा होते और ना हम उनसे। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो
मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, मुझे अपने भाग्य पर नाज है जो मुझे इतना प्यारा साथी मिल गया। अब कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को नीचे नहीं ला सकती। हर कार्य में मुझे खुशी और मौज का अनुभव हो रहा है। मैं फरिश्ता, एक उड़ता पंछी बन गया हूं। मैं फर्श निवासी नहीं बल्कि अर्श निवासी हूं। आकाश से भी परे फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। उड़ चले फरिश्तों के रहनुमा मीठे बाप दादा के पास। इस आवाज की दुनिया से परे अपने अव्यक्त वतन में जहां बाबा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब अगले कुछ मिनट सूक्ष्म वतन में स्वयं को बाप दादा के सामने बैठा हुआ अनुभव करें। आज डूब जाएं प्यार के सागर में। बड़े प्यार से बाबा की ओर देखते रहें और फील करें कि बाबा भी हमें देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इन पलों को आज यादगार बना लें। जरा सोचो जिन्हें देखने के लिए यह नयन तरसते रहे, अब वह सामने बैठा है। इतना अलौकिक नजारा भला फिर कहां मिलेगा। आज जी भर कर देखते रहे, बस देखते रहे बाबा की ओर।
अभी बाबा को साथ लेकर वापस सृष्टि की ओर चलें। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, ग्लोब से सारी पृथ्वी का नजारा देखें तो सारे संसार में चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। जैसे सफेद बादल छाए होते हैं, ऐसे ही सब तरफ फरिश्ते छाए हुए हैं। सब की नजर हमारी तरफ है। हमें देखकर सब खुश हो रहे हैं। चारों ओर से, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो या मस्जिद हो, सब तरफ से एक ही आवाज गूंज रही है, मेरा बाबा आ गया। सभी धर्म की आत्माएं कह रही हैं, मेरा बाबा आ गया। सारा ब्राह्मण परिवार फरिश्ते रूप में बाबा के पास उड़कर आ रहे हैं। और नीचे इस सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माएं ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देव और देवियां आज हमारे सम्मुख हैं। हमारे द्वारा सभी को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने इष्ट देव के दर्शन पाकर सब आत्माएं खुश हो रही हैं। और अभी फिर से हम फरिश्ते उड़कर वापस अपने वतन में जा रहे हैं। क्योंकि बाबा का संदेश सबको मिल गया। इसी कार्य के निमित्त हम सृष्टि पर अवतरित हुए थे। अब फिर से अपना कर्तव्य पूरा करके वापस बाप दादा के साथ फरिश्तों की दुनिया में चले। इन सभी अनुभूतियों को समेट कर सबको
सर्व खजानों से संपन्न होकर। आओ फिर से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर। आज संकल्प कर लें कि आज से हम ऐसे ही अलौकिक स्थिति में सेट रहेंगे, अपने फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहें, हर कार्य बाप की याद में करेंगे। बहुत हल्का डबल लाइट बनकर रहेंगे। ओम शांति।